तो गाइज अभी आप लोगों के मन में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेटीएम का केवाईसी कैसे करें, वो भी घर बैठे अपने मोबाइल से। ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग बाहर नहीं जा सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ गाइज कि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो 2 मिनट में अपने पेटीएम ऐप से घर बैठे अपना केवाईसी कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे क्यों लग रहा है कि आप लोग पेटीएम केवाईसी कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे 2 साल पहले एक पेटीएम केवाईसी के ऊपर वीडियो बनाया था। उस वीडियो पे अभी मुझे कमेंट आ रहा है कि सर पेटीएम के वाई सी नहीं हो रहा है ऑनलाइन, इसमें ये एरर आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें लोग कमेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि 2 साल पहले पेटीएम ने आधार बेस ऑनलाइन केवाईसी शुरू किया था, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन अभी लॉकडाउन के टाइम पर इन्होंने दोबारा चालू किया। तो कैसे आप कर सकते हो केवाईसी, तो वही अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं जो भी स्टेप कहूँगा उसको आप प्रॉपरली फॉलो करना, तो आप बहुत ही ईजीली केवाईसी कंप्लीट कर लोगे और कोई भी एरर या प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन सारे स्टेप को आप प्रॉपरली फॉलो करना। तो यहाँ पे आपको 2 ऐप दिखेगा, एक तो प्ले स्टोर है और दूसरा पेटीएम है। तो प्ले स्टोर क्यों है, क्योंकि हमें पहले देखना है कि जो आपका पेटीएम का ऐप है वो अपडेटेड है कि नहीं है, क्योंकि ये मेन चीज़ है, पेटीएम का ऐप को अपडेटेड होना ज़रूरी है। तो मैं अभी प्ले स्टोर में जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने पेटीएम भी ढूंढ लिया। अभी आप देखिए जो पेटीएम का मेरा वर्ज़न है वो ओल्ड वर्जन है, क्योंकि यहाँ पे मुझे अपडेट दिख रहा है, तो आपके सामने भी ऐसे अपडेट दिखेगा। अगर आपने अपडेट कर लिया है तो आपके सामने अपडेट नहीं दिखेगा, लेकिन एक चीज़ आप वेरीफाई कर लेना अगर आपने अपडेट कर भी लिया है, कि यहाँ पे ये लास्ट अपडेट जो है वो 10 अप्रैल, मतलब 10 अप्रैल का अपडेट ही होना चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर लिखा है, देखिए कुछ एनहांसमेंट किए हैं और माइनर इंप्रूवमेंट एंड बग फिक्स किए हैं, कुछ बग फिक्स किए हैं इन्होंने 10 अप्रैल को। तो ये क्या है, तो इसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो में बोल दूंगा आप लोगों को। तो पहली बात है आप अपडेट कर लो ऐप को। ठीक है, अपडेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम शुरू होता है। तो अभी हमने अपडेट कर लिया और अभी ऐप को हम ओपन करते हैं। तो जब भी आप ऐप को ओपन कर लेंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा, क्योंकि पेटीएम ने अपना इंटरफेस थोड़ा बहुत चेंज किया है इस अपग्रेड के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे कोने पे देखिए हाई, उसके बाद आपका नाम रहेगा, उसके बाद एक बटन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो जब भी आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना प्रोफाइल सेक्शन में पहुँच जाएंगे। वहाँ पे देखिए आपको दिखेगा कि आपका केवाईसी जो है वो पेंडिंग है। तो मेरा भी केवाईसी अभी पेंडिंग है, क्योंकि मैं आप लोगों को लाइव दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, जहाँ पे पेंडिंग लिखा है उसके ऊपर हमें क्लिक करना है। पहले क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खोल के आ जाएगा। तो यहाँ पे नीचे देखिए एक ऑप्शन है आपके सामने, अपग्रेड अकाउंट एंड अनलॉक बेनिफिट्स। ठीक है, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अभी देखिए दूसरी बात, तो पहली बात हो गया कि आपको ऐप को अपग्रेड करना है, दूसरी बात है कि आपका प्रोफाइल में मिनी केवाईसी कंप्लीट होना है। तो अगर आपने मिनी केवाईसी कंप्लीट नहीं किया तो वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले आप मिनी केवाईसी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर आपको मिनी केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए मिनी केवाईसी में क्या क्या बेनिफिट है वो तो आपको दिख ही जाएगा, या फिर आपका अगर ऑलरेडी है तो आपको पता भी होगा। तो यहाँ पे नीचे अनलॉक ऑल बेनिफिट पे आपको क्लिक करना है। तो जब भी आप अनलॉक ऑल बेनिफिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन है। एक है आधार वेरीफिकेशन विद OTP, उसके बाद है नियर बाई KYC सेंटर, उसके बाद KYC वेरीफिकेशन डोर स्टेप। ठीक है, तो हमें अभी घर बैठे करना है, तो उसके लिए हमें आधार वेरीफिकेशन विद OTP करना है। तो फिर से तीसरी बात हो गया कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो भी आप नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तब भी आप वीडियो को यहीं पे छोड़ दीजिए, मत देखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप है, आपके पास आधार कार्ड भी है तो आधार वेरिफिकेशन विद OTP पे हम क्लिक करते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप है कि आपको यहाँ पे आधार डिटेल्स डालना है, तो मैं अभी आधार डिटेल्स डाल देता हूँ। उससे पहले एक चीज़ और पूछ लेता हूँ कि आपका आधार कार्ड जो है उसको आपके मोबाइल के साथ लिंक होना है। अगर आपका आधार के साथ जो लिंक मोबाइल नंबर है वो अगर आपके पास नहीं है, वो कनेक्शन आप यूज़ नहीं कर रहे हो, तो भी वीडियो देखने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका ये ज़रूरी है, क्योंकि उसी मोबाइल में OTP आएगा। तो यहाँ पे आधार डिटेल्स भरने के बाद आई एग्री पे आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास OTP आएगा। अभी और एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि ये इसी जगह पे लोगों का एरर आ रहा था या फिर आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने पेटीएम को अपडेट भी किया है लेकिन जो लास्ट अपडेट है वो नहीं किया, क्योंकि पेटीएम ने एक अपडेट लॉन्च किया था 7 अप्रैल, मतलब इसी मंथ का 7 तारीख को लॉन्च किया था, लेकिन उसमें कुछ बग था। इसीलिए आप अगर देखोगे, हमने अभी जो 10 अप्रैल वाला अपडेट है उसको हमने इंस्टॉल किया, उसमें बग फिक्स किया है, तो अभी आपको ये एरर नहीं आएगा। तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो यहाँ पे आपको OTP डालना है और उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपके पास ये पेज खोल के आ जाएगा, जहाँ पे आपको अपने सारे डिटेल्स भरना है। ठीक है,
तो क्या क्या डिटेल्स है थोड़ा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपका कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स है, उसके बाद आपका फादर्स का एंड मदर्स का डिटेल्स है, उसके बाद नीचे आपका पैन कार्ड का डिटेल्स है। तो सारे डिटेल्स भरने के बाद मेन जो है ये पैन कार्ड वाला डिटेल्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने सारे डिटेल्स भर लिया। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो उस केस में आपको नो पे सिलेक्ट करना है और आपको फॉर्म 16 फिल करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि आप कहीं पे भी अगर आपका पैन कार्ड लगता है आपके पास, अगर पैन कार्ड नहीं होता है तो आपको फॉर्म 16 भरना होता है। तो यहाँ पे भी सेम है, तो वहाँ पे आपको आपका फैमिली का इनकम डिटेल्स थोड़ा बहुत भरना होता है, और उसके बाद नीचे एक है कि आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है, उसका डिक्लेरेशन देना होता है। उसके बाद आपको आई डिक्लेयर पे क्लिक करना होता है, ठीक है। तो यही है प्रोसेस। तो अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड नंबर डाल दिए, उसके बाद आई डिक्लेयर पे आपको ऑलवेज क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप है आपको सबमिट पे क्लिक करना है, तो आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाएंगे, और यही है लास्ट स्टेप। तो अभी देखिए योर ई के वाई सी इज़ कम्प्लीटेड। तो अभी हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं कि एक्चुअल में ई के वाई सी कम्प्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम प्रोफाइल सेक्शन में जाके इसको वेरीफाई कर लेंगे, और कब तक ये मेरा ई के वाई सी वैलिड है वो भी हम देख लेंगे। बट उससे पहले कह दूँ कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो चैनल को। तो अभी मैं फिर से मैं अपना प्रोफाइल सेक्शन में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे दोबारा वो ऑप्शन दिखा रहा है कि गेट फुल KYC डन एंड अपग्रेड योर अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको भी शायद दिखाएगा, तो यहाँ पे आपको दोबारा क्लिक करना है। लेकिन जब आप क्लिक करेंगे तो आपको देखिए अंदर क्या दिखा रहा है, योर आधार बेस्ड सेल्फ KYC इज़ कम्प्लीटेड, मतलब आपका आधार बेस्ड KYC कम्प्लीट हो गया। उसके लिए आपके पास सारे ऑप्शन खुल गया है, और ये वैलिड है आपका 13 अप्रैल 2021 तक। तो मैंने आज 14 तारीख को किया है, तो इसलिए मेरा 13 तारीख तक, नेक्स्ट ईयर का 13 तारीख तक मेरा ये वैलिड हो गया, ठीक है। तो ये 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, क्योंकि ये आधार बेस्ड KYC है। और उसके बाद नीचे जो है कंप्लीट योर फुल KYC, तो अगर आप फुल KYC कंप्लीट करना है तो उसके लिए आपको नियर बाई KYC सेंटर में जाना है, या फिर आपको डोर स्टेप वेरीफिकेशन करना है, मतलब KYC एजेंट को आपको अपने घर पर बुलाना है, ठीक है। लेकिन आप आधार KYC करने के बाद भी अपने अकाउंट को फुल्ली यूज़ कर सकते हो 1 साल तक, ठीक है फ्रेंड। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।